नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे इस चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेले गए थर्ड T20 मैच के रोमांच के बारे में। उनसे पहले यदि आप शुभमन गिल, विराट कोहली सहित हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच थर्ड T20 मैच के दौरान न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 में भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बॉलिंग करने होता है न्यूजीलैंड की टीम को मिलता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की पारी की शुरुआत हो चुकी है और भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर आ चुके हैं तथा न्यूजीलैंड के लिए गेंदबाजी की शुरुआत वेन लिस्टर ने की। इस मैच के दौरान शुभमन गिल को एक अलग अंदाज ही देखने को मिला। आज शुभमन गिल ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे देख करके 140 करोड़ जनता का दिल गदगद हो गया है। आज शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को इतना पिटाई किया है कि वो सपना भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि शुभमन गिल के पहले T20 इंटरनेशनल शतक की बदौलत भारत ने न्यूजीलैंड को T20 सीरीज के तीसरे और अंतिम मैच में 168 रनों से करारी शिकस्त दी थी। यह T20 इंटरनेशनल मैचों में टीम इंडिया की सबसे बड़ी जीत और न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी हार है। यह टेस्ट खेलने वाले किसी भी देश की सबसे बड़ी हार भी है। भारत को इससे पहले आयरलैंड के खिलाफ 143 रनों की जीत मिली थी। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 234 रन बनाए और इधर जवाब में न्यूजीलैंड ने पावर प्ले में ही 5 विकेट खो दिए थे और न्यूजीलैंड की पूरी टीम 66 रन पर ही सिमट गई। और इधर शुभमन गिल ने अपने शानदार फॉर्म जारी रखते हुए मैच 63 गेंदों में 12 चौके और 7 बड़े छक्कों की मदद से नाबाद 126 रन बनाए। वहीं T20 इंटरनेशनल में भारत की तरफ से सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। इस मैच में टीम इंडिया के 2-3 प्लेयर्स को आउट हो जाने के बाद शुभमन गिल ने एक छोर पर डटे रहे और सूर्य कुमार यादव ने उनके साथ क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे थे, जिन्होंने भी तेजी से रन जोड़ने की लय बनाए रखी। 13वें ओवर में मिड ऑफ पर ब्रेसवेल की कैच देकर आउट हुए। गिल ने 18वें ओवर की पहली गेंद पर लॉकी फर्गुसन की गेंद पर मिड ऑफ में चौका चढ़कर अपना शतक पूरा किया। उसके बाद भी उन्होंने रनों की बरसात जारी रखी। इधर कप्तान हार्दिक पांड्या ने 17 गेंद में 30 रन की पारी खेली। उन्होंने भी गति को कम नहीं होने दिया तथा अंत में 4 विकेट के नुकसान पर 235 रन बना दिए। तब भारत की ओर से न्यूजीलैंड को 235 रन का एक बड़ा लक्ष्य मिलता है। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद ही खराब रही। हार्दिक पांड्या ने पहले ओवर में फिन एलन को आउट 3 रन पे ही कर दिए। दूसरे ओवर में अर्शदीप सिंह को, डियोन कॉनवे और मार्क चैपमैन के रूप में विकेट मिला। तीसरे ओवर में हार्दिक पांड्या ने ग्लेन फिलिप्स को पवेलियन भेज दिया तथा माइकल ब्रेसवेल को 5वें ओवर में उमरान मलिक ने पवेलियन भेज दिया। 6 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 30 रन था। 6 विकेट के लिए मिचेल सेंटनर और डेरिन मिचेल ने 31 रन जोड़े, लेकिन फिर एक बार भारतीय गेंदबाजों ने गुच्छे में विकेट लिए। शिवम अमी 9 ओवर में सेंटनर और इस सोड़ी को आउट किए। अगले ही ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने लॉकी फर्ग्यूसन को खाता खोले बिना वापस पवेलियन भेज दिया। 66 रन पर डेरिन मिचेल आउट होने के साथ ही न्यूजीलैंड की पारी 13वें ओवर में ही सिमट गई। भारत के लिए हार्दिक पांड्या ने 4 विकेट लिए, जबकि अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक, शिवम अमी 2-2 विकेट लिए।